मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं डाइन टीवी, मैं हूं विक्टर अमीन। इस वक्त हम ईसा नगरी के एक इलाका में मौजूद हैं और वॉइस ऑफ क्राइस्ट के लिए हम घर घर जाके मसीह की आवाज़ ढूंढ रहे हैं। और हमारे साथ एक हमारी प्यारी बेटी, आपका नाम बेटा? नौमी सबा शम्स। नौमी शम्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि इस बेटी ने कम उम्री में ही अपने खुदा की प्रस्तुति और स्तुतिश के लिए अपने आप को पेश किया। बेटा कितने साल से आपने जो है ये बाजा सीखा और ये आप प्रस्तुति कर रही हैं? मैं 6th क्लास में थी तब से मैं सीख रही हूँ। तो आपके अंदर ये लगन जो है किसी को देख के आई या आपके घर वालों ने आपको फोर्स किया? नहीं, मेरे घर वाले ना मोस्टली जो हैं वो फादर्स हैं, कोई सिस्टर्स हैं, पास्टर्स हैं, तो उन वो भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी। तो बस मेरे मामू हैं, उनको देख देख के, भाइयों को देख के फिर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। मैंने भी बोला मैंने भी सीखना, तो फिर मैंने भी सीखा। तो अब जो आपकी स्पिरिट है, जो आपने अभी देख के या इनसे इंस्पायर होकर आपने सब कुछ सीखा, मगर अब आपकी जो स्पिरिट है वो क्या है कि आपके इस बाजा बजाने से और आपके प्रस्तुति करने से आप अपनी कौम के लिए क्या कर पाएंगी या उनकी रूहानी तरक्की के लिए क्या कर पाएंगी? बस यही है कि खुदावन की और हमदोस ना करके मसीही अपनी आवाम में और शऊर पैदा करना कि मसीहत की तरफ आएँ, प्रस्तार ज़्यादा से ज़्यादा बने ताकि और प्रमोट हो मसीहत। आपको लगता है कि क्या सिर्फ खुदा के लोग जो खादिम हैं या पास्टर हैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाएं या कि एक प्रस्तार भी उससे उनसे बढ़ के किरदार अदा कर सकता है? नहीं नहीं, एक प्रस्तार भी ज़्यादा किरदार अदा, क्योंकि जब हम गीत गाते हैं तब हम रूहानी तौर पर ज़्यादा मामूर होते हैं और ज़्यादा वो पाते हैं, बरकत पाते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि जो बेटी ने बात कही है वो बहुत ही एक अहम बात है कि देखें खादमीन की अपनी एक अपना किरदार है लेकिन एक परस्तार उनसे बढ़ के किरदार अदा करता है, क्योंकि आज के आने वाले दौर में लोग कलाम सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसको गाना भी चाहते हैं। और उस पर आपने गीत सुना होगा, दीवानिया अनुकारी परवाह है, वो जद रू दा मसा होता है तो वो क्या दीवानिया नचदे ने। तो ये प्रस्तारों के वसीला से खुदावंद ऐसा करता है और ये इससे ज़्यादा मामूरी आती है, ज़्यादा लोग ब्लेस होते हैं। वॉइस ऑफ क्राइस्ट जो ये इश्तहार आपके सामने है जिसके लिए आप गाना चाह रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि हम जब घर घर जाके बच्चों को से गीत सुन रहे हैं और उनको वॉइस ऑफ क्राइस्ट में मसीह की आवाज़ बनने में उनका साथ दे रहे हैं, आपको कैसा लगता है ये? बहुत अच्छी बात है, जो घरों में है जिनका पता नहीं है लोगों को कि ये भी गा सकते हैं, इनमें भी कुछ काबिलियत है, उनको प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो स्टार्ट होने वाला है। डाइम टीवी इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप डाइम टीवी को इस काविश को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी काविश है ये सबके लिए, जो बच्चे हैं टैलेंटेड हैं, जो टैलेंट नज़र नहीं आता उनके टैलेंट को शो करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये डाइम टीवी वालों की तरफ से। डाइम टीवी सिर्फ एक कंपटीशन या एक मुकाबला है मौसीकी को ही अरेंज नहीं कर रहा, बल्कि वो बेटी ने जो बात ये हमने इनको नहीं बताई लेकिन इन्होंने खुद ये बात समझी है कि ये टैलेंट सामने लाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि लोग आने वाले वक्त में जो 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे हैं वो आने वाले परस्तार हैं, आने वाले दिनों में परस्तार बन रहे हैं। तो बेटा आप जो है मसीह की आवाज़ बनने जा रही हैं, अगर इसके लिए आपको कहीं भी बुलाया जाए या कहीं भी जाना हो तो क्या आप डाइम टीवी के साथ हैं? जी जी, मैं साथ हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाएंगे मैं खुदावन के लिए हर जगह, खुदावन की प्रस्तुति के लिए हर जगह जाऊँगी। बहुत शुक्रिया। तो आप क्या गाना चाह रही हैं आज जो है एक मसीह की आवाज़ में, आप क्या सुनाना चाह रही हैं? मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाऊँगी हारमोनियम पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ज़रूर आप करें। ओके, जिसको
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी बहुत प्यारा गाती है और मैं इससे खुश हूँ कि इसके वसीला से आप जो दायम टीवी देख रहे हैं वो बाइस से बरकत होंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा। तो बेटा आप वॉइस ऑफ क्राइस्ट की टीम को या और जो नौजवान जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको बेटे बेटियों को जो वॉइस ऑफ क्राइस्ट का बनने वाले हैं आप उनके लिए कोई पैगाम दें। पैगाम यही है कि ये हारमोनियम का ज़्यादा समझा जाता है, तबला और हारमोनियम के ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, अपने लड़कियां नहीं कर सकती, तो लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसी ही बहनें हैं वो भी हिस्सा इसमें ले सकती हैं, तबला भी प्ले कर सकती हैं, हारमोनियम और ज़्यादा से सीखें और खुदावन को और प्रस्तुत करें और सताइश करें और प्रस्तर एक सच्ची प्रस्तर बने। आमीन। वॉइस ऑफ क्राइस्ट के इस प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा लें, हमारी टीम आपके घर पे और आपके इलाके में है और आप इसमें हिस्सा लें और हमारे साथ रहें। और ये जो बात बेटी ने कही है ये बहुत अच्छी है, आज जदीद दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अब हर नौजवान बेटा या बेटी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं और हर काम हर खिदमत में भी बेटे और बेटियां एक साथ मिलकर सामने और आगे आ रहे हैं। तो वॉइस ऑफ क्राइस्ट की टीम आपके साथ, हमें दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।